खिजा से उठता है ये दुआ सा कहाँ से उठता है देख तो दिल के जहाँ से उठ साउथ एशिया के एक नए प्रोग्राम जलसा घर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम सत्यजीत रे की बंगाली मूवी जलसा घर द म्यूज़िक रूम से मुतासर होके रखा गया है इसका नाम। इस प्रोग्राम में हम आपका तारुफ़ कुछ ऐसे लोगों से करवाएंगे जिन्होंने म्यूज़िक को अपना वक्त दिया है, उस पर मेहनत की है और जिनको आप नहीं जानते। आज हमारे मेहमान जो हैं वो परवेज़ आदिल साहब हैं। 36 ईयर्स उन्होंने अपने मार्केटिंग के शोबे को दिया जो उनका प्रोफेशन है और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि उनका शौक़ मौसीकी था, उन्होंने मौसीकी को भी काफ़ी वक्त दिया और मुख्तलिफ़ उस्तादों के ज़ेर असर रहे, म्यूज़िक सीखी और अभी भी म्यूज़िक सीख रहे हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि आप वो म्यूज़िक दूसरों को सिखा सकते हैं लेकिन जो म्यूज़िक सीखने वाला है वो कभी ये नहीं समझता कि उसको पूरी तरह म्यूज़िक पे उबूर हासिल हो गया है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे परवेज़ आदिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया। मौसीकी की इब्तिदा आपने कहाँ से की? ये तो बड़ी एक तवील दास्तान है लेकिन अगर खाली उसको यूँ कहा जाए कि मुझे बचपन से शौक़ था, ये तो सभी कहते हैं बचपन से शौक़ था जी बिल्कुल, लेकिन इंसान अपने अंदर जो मौसीकी का एक पहलू देखता है उसको ख़ुद पता चलता है कि वो ये मौसीकी में वो कहाँ है और ये उसका शौक़ उसे कहाँ ले जाएगा। ठीक। तो मैंने बचपन से ये महसूस किया कि जब मैं कोई फिल्मी गाना या कोई गज़ल मैं सुनता हूँ तो उसमें ख़ास एक पसंद का एलिमेंट होता है उसमें, और दूसरे ये कि उसमें हमेशा ये रहता था कि इसकी कंपोजिशन को गेज किया जाए कि ये किस किस्म की कंपोजिशन है, उसमें क्या खसूसियात हैं और मुख्तलिफ़ गानों में यूँ समझिए कि तलाश किया जाए कि इसको कंपोज़ कौन कर सकता है। तो ये एक उस लिहाज से बचपन से एक शौक़ का एक अजब सा पहलू था कि जो हमें एक नुमाया था और इसको पेरेंट्स ने भी महसूस किया कि ये मौसीकी में कुछ बात ज़रूर है जो इसमें पिना है। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिली इस मौसीकी को आगे बढ़ाने के लिए? अब पेरेंट्स की तरफ से एक तरह से सपोर्ट मिली, कुछ सीखना तो शुरू किया नहीं था तो उस लिहाज से तो नहीं कहा जा सकते उनकी सपोर्ट थी, लेकिन घर में कोई कैद नहीं थी कि कोई गाने सुनने में पाबंदी हो या मौसीकी की कोई महफिलों में जाने पर कोई पाबंदी हो, लेकिन इस तरह ही रहा कि चूँकि वो भी उनको भी थोड़ा बहुत शौक़ था तो वो हमें अच्छे प्रोग्राम्स में कभी कभी साथ भी ले जाया करते, लाइक फरीदा खानम, मोहतरमा फरीदा खानम का उस वक्त चर्चा था और उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली का भी कंसर्ट्स हुआ करते थे आर्ट्स काउंसिल में, तो उसमें हम जब मेरे ख्याल है कोई 6-7-8-10 साल के होंगे तो वो ज़रूर जाते रहे, तो इस अच्छा। तरह से आप सपोर्ट ही कह सकती हैं। अच्छा, तो कभी वालदैन ने कोशिश की कि आपकी तालीम के लिए, मौसीकी की तालीम के लिए कोई उस्ताद वगैरह का बंदोबस्त किया जाए? नौबत ना आ पाई, उसकी वजह ये थी कि वालदैन ने महसूस किया कि मौसीकी में ये बहुत शौक़ है मौसीकी का और ख़ास किस्म का शौक़ है, तो उन्होंने वालद से एक दफ़ा तस्करा भी किया लेकिन चूँकि उस वक्त इतने माली हालात नहीं थे कि जो पैसा खर्च किया जाता, और फिर उनको ये भी ख्याल था कि मौसीकी की तरफ जाने से शायद ये तालीम पे तवज्जो ना हो सके, तो वो शुरू में उस तरह से मौसीकी को सीखने का मौका नहीं मिला। अच्छा। बस यही था कि जो मैं आपको ज़रा से एक्सप्लेन करूं कि वो होता ये था कि कोई गाना सुना, और रेडियो पाकिस्तान ही एक वाहिद मीडियम था, उस पर कोई गाना सुना तो उसको सुनने के साथ ही ये जज्बा, उसकी कंपोजिशन को सुन के, उसके अरेंजमेंट्स को सुन के ये जज्बा होता था कि
ये कौन इसको कंपोज कौन कर सकता है, किसकी कंपोजिशंस जो सुनी हुई हैं उनमें से कौन, तो आम तौर पे ये होता था कि ये बग़ैर जाने हुए कि ये किसकी कंपोजिशन है, मैं निकाल लिया करता था कि ये कंपोजिशन जो है वो किस मौसीकार की होगी, लाइक ए हमीद की हो सकती है, अच्छा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की हो सकती है, अच्छा, और वो उसमें कई मरतबा मेरा गेस जो था वो सही साबित हुआ। तो बाकायदा तालीम मौसीकी की फिर आपने